हेलो दोस्तों, आज की इस बुलेट जो है रॉयल इनफिनिल्ड जो है उसका में ऑयल किस तरह से ड्रेन करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। और दोस्तों इसमें ऑयल बहुत ही ज़्यादा है, ये सारा जो है प्रोसेस और कौन सा जो है नट से ऑयल डालेंगे और कौन सा ऑयल नट जो है कितना नट है कितना बोल्ट से जो खोल कर ऑयल निकालेंगे, तो इसी वीडियो में दिखाएंगे ऑयल ट्रिक। तो देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोस्तों, यहाँ तक बने रहिएगा। और वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन अब दोस्तों इसकी मत कीजिए क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो देखिए थोड़ा सा डाल दिए हैं तो इसमें फुल हो गया, लेकिन उस टाइम जो है कम था वो दोस्तों लास्ट में आपको दिखाएंगे कि कितना नया वो जो है इसी डब्बे में जो है नया ऑयल था वो जो है। कितना था चलिए दोस्तों। और दोस्तों इस बोल्ट का काम क्या है, इस बोल्ट का काम है इसको खोल के इसका जो है मैग्नेट जो यानी ये टाइमिंग जो है इसको इसी बोल्ट खोल कर देखने को मिलेगा इसीलिए। और ये जो है दोस्तों किस लिए, और यहाँ का यहाँ में भी एक फिल्टर लगा हुआ है तो है, और एक ये बड़ा वाला 18-19 का वही जो है बोल्ट लगा हुआ है। तो कौन सा बोल्ट से ऑयल निकालेगा और निकालेंगे तो आप देखते रहिए, हमें जो वीडियो है लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि इसमें क्यों ज़्यादा ऑयल था और किस लिए किस गलती के लिए। तो दोस्तों ये जो ऑयल ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये इसका एक डब्बा आता है 250 लीटर का, सॉरी 2.5 लीटर का, लेकिन वो 2.5 लीटर डाल दिए आप सही बात है, लेकिन इसका जो है इंजन में ऑयल थोड़ा बहुत जो 200-300 ml जो है रह जाता है, 150 ml रह जाता है, तो उसको अच्छी तरह से तरीके से किस तरह से पूरा निकालेंगे तो देखिए दोस्तों। हम पहले जो बड़ा वाला जो बोर्ड है उसको खोले हैं, उसी को खोल कर दोस्तों आपको ऑयल निकाल लेना है। तो दोस्तों इसमें एक कटोरा निकाल गया दोस्तों। अब दोस्तों इस जो है इस कटोरा में छोटा वाला जो है 12 mm का बोल्ट है उसको खोलेंगे, उसमें कितना ऑयल जो है निकल रहा है वो भी आप देख लीजिए। अगर दोस्तों ये बड़े वाले बोल्ट कर खोल कर दोस्तों ऑयल निकाल लीजिएगा और फिर लगा कर डाल दीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल जो है इंजन में रह जाएगा, ज़्यादा ऑयल जो है ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम 12 mm का बोल्ट जो खोल दिए हैं, अब इसमें निकल रहे हैं उसमें नहीं निकल रहा है बड़ा वाला बोल्ट में। तो इसमें देखिए दोस्तों ये छोटा वाला जो है छेद में दोस्तों अभी भी ऑयल निकल रहे हैं। तो हम लाइव प्रूफ जो है दोस्तों वीडियो को स्पीड बढ़ा दिए हैं इसीलिए दोस्तों इस वीडियो दोस्तों हिल रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो है अभी भी निकल रहा है। तो और दोस्तों और एक है फिल्टर वाला, उसको भी खोलेंगे, उसको मैं खोल कर दिखाएँगे प्रूफ का साथ दोस्तों ये वीडियो बनाए हैं क्योंकि आपको कोई डाउट ना हो और आपको आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों देखिए दोनों जो है खोल लिए और जो है फिल्टर जो है वाला है वो खाली खोलना होगा, उसी को हम खोलेंगे। अब दोस्तों ये इस कटोरा को जो है इस तरफ उस तरफ कर लेंगे क्योंकि फिल्टर वाले में जो है जिसमें ऑयल कम है उसको हम उलट पलट कर लेंगे, इसीलिए दोस्तों इसमें ऑयल भर गया है तो हम चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों चेंज कर लिए हैं दोस्तों, ऑयल चेंज की यहाँ से कोई एक बूंद नहीं जाएगा, इसी को हम डब्बे में डाले थे तो फुल हो गया और थोड़ा नीचे भी गिरा हुआ था, आपको वीडियो में फास्ट में देखने को मिल गया है। तो अब हम प्रूफ के साथ जो है दिखाएंगे कि इसमें क्यों ज़्यादा ऑयल था। मेरे हिसाब से दोस्तों दो बोल्ट खोल लिए थे और नहीं तो इसमें ऑयल निकाल लिए थे, और जो फिल्टर वाला जो है उसको नहीं खुला था। देखिए इसमें 150 जो है ऑयल निकल गया है, देखिए ये निकल गया दोस्तों 150 ऑयल इस फिल्टर को खोलने से। इस फिल्टर का एक खासियत है दोस्तों इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, इसमें थोड़ा लगाने का टाइम जो है पोंछ कर साफ सफाई वफाई करके लगाइएगा, इसमें
थोड़ा लोहा वहाँ जो है गियर पिनियम कहीं से टूटा हुआ है जो है टुकड़ा उसमें लगा हुआ है, इसीलिए उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा फिर आकर लगेगा। दोस्तों देखिए ये फिल्टर का भी खोलने हैं सारे जो है तीनों जो है हम खोल लिए हैं ऑयल निकालने वाला जगह को। देखिए तीनों, एक छोटा वाला बड़ा वाला और ये फिल्टर वाला, तीनों हम खोल लिया। और ये दोस्तों ये प्लग लगा हुआ था क्योंकि मेरे हिसाब से इससे पहले जो काम किया है उसको उस बोल्ट ख़राब हो गया था वो और नहीं तो कुछ हो गया था, लेकिन इस प्लग को लगा दिए हैं उसका जगह में, तो कोई टेंशन नहीं है। काम होना होने से मतलब है इसी के लिए बोल्ट का ज़रूरत नहीं सोचे थे, इसीलिए दोस्तों इस जो प्लग वाला जो लगा दिए हैं ये रस जो में लगता है वो वाला प्लग। दोस्तों इसमें इतना भर गया दोस्तों, ये दोनों को डाले थे इस डब्बे में। ये दोस्तों 29 डिग्री है और 2.5 लीटर है और इसका प्राइस जो है 1050 रुपया है इसका प्राइस, 1050। और ये रॉयल इन्फिनिट है, ये 20W50 है, इसी को डालिएगा रॉयल इन्फिनिट में। देखिए रॉयल इन्फिन लिखा है तो इसी हम ये इसी ऑयल को डाले हैं, इसी को हमको मिला। और दोस्तों तो अगर आपके पास ये ऑयल नहीं मिल रहा और कोई सा भी कंपनी का मिल रहा वो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये ऑयल जो है 15W50 डालिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों ऑयल अब हम कहाँ से डालेंगे, इसमें भी एक नट लगा हुआ है लेकिन कोई नट बोल खोलना नहीं है। इस जो रबर वाला जो है ये एलुमिनियम का ये रबर के जैसे देख रहे हैं इसको खोलिएगा और इसी से हम ऑयल डाल देंगे। फुल ऑयल जो है इसी होल से डालेंगे, आप देखते रहिए वीडियो तो आपको पता चले कि यहाँ इसमें क्या है। और बहुत ही लोग बताते हैं कि दोस्तों इसमें जो है मैग्नेट का तरफ यानी वो जो है रोलर लगा हुआ है उस तरफ जो है इसका जो है ऑयल डालना होगा, तो टाइमिंग देखने वाला बोल जो है बाएँ तरफ जो है उस वाले में, लेकिन वो डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी दोस्तों कुछ भी नहीं आया ऑयल, इतना ऑयल डाल दिए हैं तो दोस्तों इसी में फुल ऑयल डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा दिखाएगा लेकिन थोड़ा चलेगा तो हो जाएगा, और नहीं चलाएंगे फिर भी हम जो है इसको जो है लेवल मतलब जो है इसका जो है माप जो है यानी ये कई शीशा का माप जो है उसी लेवल में दोस्तों हम इसको करेंगे। तो किस तरह से की करेंगे दोस्तों तो आप देखते रहिए तभी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों स्किप कर दीजिएगा वीडियो तो नहीं देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों थोड़ा आया है ऑयल, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा नीचे लग रहा कि हाँ ऑयल आया है, अभी तक नहीं आया है तो हम ऑयल डाल रहे हैं। तो देखिए देखते रहिए दोस्तों वीडियो को अंत तक, तभी जो आपको स्टेप बाई स्टेप समझ में आया और अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें फंडा क्या है और कहाँ से ऑयल डालना है। एक ही होल है, देखिए थोड़ा आ गया है, देखिए अभी जो है ऑयल और नहीं रहेगा माप में यानी नाप इसका जो है शीशा का जो है मिडिल जो है इसमें आगे है और ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी हमारा डब्बा में जो ऑयल है तो हम इसको फुल डालेंगे, इसका फुल डालेंगे, इसका माप से जो ज़्यादा हो जाए इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन इसको किस तरह से हम लेवल में लाएंगे वो भी आपको मैं टॉपिक यानी ट्रिक बता दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो स्किप मत कीजिए तभी आपको समझ में आएगा, और नहीं तो आप मिस कर दीजिएगा। इधर से डाल दीजिए थोड़ा, उधर से डालिए, दोनों तरफ इधर उधर जाते जाइएगा, लेकिन एक ही होल्ड में हम डाल रहा हूँ और आप भी इस तरह से डालिएगा। अगर नहीं होगा आप पहले कर कीजिएगा तब हमको बताइएगा कि हाँ नहीं हो रहा, तब हम जो है आपको बताएंगे क्यों नहीं हो रहा और क्यों नहीं होगा। लेकिन होगा दोस्तों क्योंकि मैं इसी तरह से जो है बुलेट में जो है सारे जो है मैं जितना डाले हैं इसी तरह से हम ऑयल डाल देते हैं। अभी जो है इसका शीशा में दिखा रहा है फुल ऑयल जो है फुल हो गया, देखिए थोड़ा सा जगह नहीं है। अब हम गाड़ी को हिलाकर आपको दिखाएंगे, देखिए देखिए दोस्तों गाड़ी थोड़ा तिरछा किया बायां तरफ यानी लेफ्ट साइड में, तो देखिए ये ऑयल जो है नीचे बैठ गया।
तो अब हम दोस्तों इसको देख लिया दोस्तों इसका प्रूफ, क्योंकि फुल हो गया। अब तो बताइएगा आप लोग कि हाँ ये इसमें फुल हो गया, इसी में क्यों डाला। वो जो बायाँ तरफ थोड़ा डाल देते हैं तो अच्छा हो जाता है, एक लीटर कम से कम। तो हम उस तरह से नहीं डालते हैं, ये आपको दिखाने के लिए। और दोस्तों इसमें फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर तो ये भी वीडियो नहीं बनाए, ये आप फ़िल्टर चेंज कर लेगा ऑयल जब भी चेंज कीजिएगा तब। तो दोस्तों हम पहले चालू करते हैं थोड़ा और दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों सेल पे इसका यह रोलर बैरिंग जो ख़राब है, तो देखिए स्टार्ट किया है दोस्तों। अब ऑयल को हम देखते हैं, देखिए अभी भी ऑयल जो है फुल है। देख लिया दोस्तों इसको, अब हम किया है साइड स्टैंड में, साइड स्टैंड में छोटा वाला स्टैंड, साइड स्टैंड कहता है कोई छोटा वाला स्टैंड, तो साइड स्टैंड और छोटा वाला स्टैंड में कर दीजिएगा, आपका ऑयल लेवल हो जाएगा। ये ज़रूर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको मैं दिखाएंगा, और मैं इस तरह से अगर करता हूँ तो हो जाता है। मैं इसीलिए हम एक ही होल्ड से ऑयल पूरा फुल जो हो ऑयल जो है डाल देते हैं। देखिए दोस्तों अभी गाड़ी लेवल करके दिखाऊंगा। देखिए ऑयल थोड़ा डाउन है, देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये देखिए कम हो गया, आपको ऑयल दिख रहा है। तो अब हम देखिए लेवल है गाड़ी, अब देखिए दोस्तों ऑयल माप में है, इसका जो है निशान, जो है निशान की बराबर है। देखिए ये देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों साइड स्टैंड कर दीजिएगा तो ऑयल जो आपका लेवल आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपका दोस्त तक पहुँचाइए, शेयर कीजिएगा तब ही पहुँचेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।